तो फिर उसके बाद उन्होंने वो पूरी चैट ही डिलीट कर दी। जब आप सही नहीं है ना, आपने सही बात नहीं की है, तभी आपने अपने कमेंट के ऊपर से सारी चैट डिलीट कर दी कि ताकि किसी को पता ही ना चले आपके सब्सक्राइबर को कि आपने क्या बात की है। यही अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है, हम उठ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मॉर्निंग में मेरी बेटी भी सुबह सुबह हम लोगों के साथ उठ जाती है। आपको मैं दिखाती, लेकिन वो नीचे की तरफ खड़ी हुई है, फिर कैमरा नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने दिन की, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है, तो आप लोगों ने साथ रहना है। चलें जी, चलते हैं, हम लोग ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरी शहजादी सुबह सुबह उठ जाती है, ये देखें जी मेरी शहजादी उठ चुकी है, मेरी बेटी उठ चुकी है, और हम दोनों की आइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा सूजी हुई है। और आज इतनी अच्छी हवाएं चल रही है ना कि बेनतहा ना, बस दिल कर रहा है कि फैन यहाँ सब कुछ बंद कर दें, इलेक्ट्रिक चीज़ें, और इस ताज़ा हवा में बैठें। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बाकी आगे व्लॉग देखते हैं। मैंने मेरा चैनल चेक कर दिया, जस्ट एक वीडियो के ऊपर उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप ना दूसरा नेक्स्ट चैनल बनाएं और उसे उस पर काम वर्क करें। हवा देखिए कितनी अच्छी आ रही है, और ये जो पूरा दरख्त है ये हिल रहा है। बस अल्लाह ताला ना जब बारिशों के बाद इतनी प्यारी हवा छोड़ देते हैं, तो गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ना नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, चाय वगैरह बन चुकी है, और आटा वगैरह मैं निकाल लिया मेरे फ्रिज से, और अब यहाँ पे मैं ना पराठे वगैरह बनाऊँगी। यहाँ हम आ चुके हैं और हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो कर लिया हम लोगों ने ब्रेकफास्ट, और अभी मैं थोड़ी सी चाय पी रही थी। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी बात, के मैंने बात शेयर करनी थी कि हम ना बशीर हैं, जिनकी एक वीडियो थी उसके बारे में मैं गई उनके पास, वो कल अपलोड हुई थी, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा चले आप मेरा भी चैनल चेक कर दें। तो उन्होंने मेरा चैनल चेक किया और मुझे डीमोटिवेट कर दिया कि आप मेरी वीडियो का इस तरह था कि लिपसिंग नहीं थी उसके ऊपर ना, मतलब कि मैंने वॉइस ओवर की हुई थी और मैं बात कर रही थी, तो वो कहती हैं कि ये आपने तो ना बहुत ही गलत वीडियोस हैं, इसी तरह से आप ना आपका ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा करें ये डेड। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो पूरी चैट ही डिलीट कर दी। जब आप सही नहीं है ना, आपने सही बात नहीं की है, तभी आपने अपने कमेंट के ऊपर से सारी चैट डिलीट कर दी कि ताकि किसी को पता ही ना चले आपके सब्सक्राइबर को कि आपने क्या बात की है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने मतलब कि किसी को भी आप डीमोटिवेट नहीं करें, उस सारी वीडियो में ना जस्ट मैं थी जिन्हें उन्होंने डीमोटिवेट किया और बोला कि ना आप ना डिलीट कर दें सारा, आप नेक्स्ट चैनल बनाएँ और ये करें वो करें। तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, आपने तो जस्ट मेरी एक ही वीडियो देखी है ना, तो आपने तो फुल मेरी वीडियो वॉच ही नहीं की है, तो सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को वॉच करें और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या है सही बात। आप जस्ट एक वीडियो जस्ट थोड़ा सा क्लिप शुरू का देख के आप बोलेंगी कि ना ये है ये है ये बात है, ऐसा नहीं होता है, कोई चीज़ डेड नहीं हुई होती है और ना ही सारी चीज़ें इस तरह की वीडियोस बनी हुई होती हैं। मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, डेली रूटीन का चैनल है, कुकिंग का है, तो जी कुकिंग चैनल पे भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, सारी चीज़ों के ऊपर होती है। बात असल में यह है कि अगर आपको अल्टरनेट कंटेंट का पता नहीं है तो आप किस तरह किसी के चैनल को चेकआउट कर सकती हैं और ये बता सकती हैं, डीमोटिवेट कर सकती हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आप पर सूट नहीं करती कि आप इस तरह की बात करें। आप खुद कह रहे हैं कि अल्टरनेट कंटेंट का बताएं, दूसरा आप अपने फेस के ऊपर AI का फेस वो कार्टून फेस लगा के बीच में आप दिखा रही हैं कर रही हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आपका फेस मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा। सारी बातों की एक बात है, आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मकसद था कि जो लोग भी ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, जो लोग भी चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी किसी से आप बात ना करें, टेक्नीशियंस के अलावा जिनको आप पे करें आपको वही सही बात बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो आम चैनल्स के ऊपर जो लोग होते हैं जिनको खुद अपने चैनल्स का नहीं पता है, वो आपको क्या सही बात बताएँगे, डीमोटिवेट करेंगे, एहसास की बात होती है। हम समझते हैं कि हम सबके साथ अच्छे हैं तो सब हमारे साथ भी अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है। इस तरह की वीडियोस बनाने का मेरा सिर्फ एक यही मकसद था कि ना लोगों को डीमोटिवेट ना करें, लोगों को काम करने दें,
उनको इस तरह की बात करके डीमोटिवेट ना करें कि वो ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और कामयाबी भी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है देने वाली। अगर आपको भी अल्लाह ताला ने जितनी थोड़ी बहुत भी कुर्बानी कामयाबी दी है, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये कहने का है कि इस तरह की बात किसी के साथ भी ना करें अगर आपको सही बात का पता ना हो तो। और दूसरी बात ये है कि ना, कामयाबी देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की, वो किसी टाइम भी किसी को भी कामयाब कर देता है। तो फिर इस तरह की बात करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है। और मेरा मकसद ही सिर्फ ये था इस तरह की व्लॉग और वीडियो अपलोड करने का, ताकि आपको पता चल सके कि मैं विदाउट लिपसिंग भी मेरी जो होती है वो टोटल वीडियोस बनती हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा चैनल बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है, इसको कोई डेट वगैरह नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपको पहले आप अपने चैनल के बारे में पता कर लें कि आपके चैनल में क्या कमियां हैं, आपको अल्टरनेट के ऊपर यस और नो करना है या नहीं करना, फिर आप दूसरों को रिव्यूज़ दीजिएगा, उनके चैनल्स को चेक कीजिएगा, तो इस तरह की बात कीजिएगा, ठीक है ना। और किसी का भी दिल मतलब ख़राब मत कीजिएगा और किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत हसास होते हैं और वो सारा दिन या सारी रात ये सोच कर गुजार देते हैं कि अगले बंदे ने मुझे ये बात बोली। तो आज मैंने इस चीज़ के ऊपर ही ये छोटी सी ये जो है क्लिप्स वगैरह आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, वीडियो शेयर की है, अपने ब्लॉग में इसमें ऐड किया कि मैं ताकि लोगों को बता सकूँ कि जो लोग भी उनके पास जा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं और वो ये सारी बातों को जो वो बता रही होंगी उनको सच समझ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर अच्छी बात बोलेंगे तो आप उसको अच्छा समझेंगे, अगर बुरी बात बोलेंगे तो आपने दिल पे मत लेना है। और पहली बात है कि आप पूछे ही ना। मुझे ये एक रियलाइज हुआ है कि हम किसी से कोई बात पूछे ना कि ताकि हमें कोई डीमोटिवेट करे। तो मेहनत करते रहें, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अल्लाह की ज़ात है कामयाब करने वाली, तो अल्लाह की ज़ात हर किसी को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।